सिंगावाला से नवीन मैडम। सर्वप्रथम सभी दूसरे हुए साथी जो इस बैच में थे, सभी जो एक दूसरे को जाते थे वो इस बैच में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा। उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस ली गई हमने और फिर हमने भगवान को याद कर इसकी शुरुआत हमने अपनी प्रेयर से की, क्योंकि कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो भगवान को याद किया जाता है। फिर हमने अपना पूर्व ज्ञान देते हुए मैथ का प्री टेस्ट दिया। इसके बाद प्रदीप सर जी के आदेशानुसार एसएलएस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अल्फाबेटिकल ए बी सी डी, इसके बाद ए बी एल जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाई गई। और इस ग्रुप में फिर हर एक साथी ने अपने साथी का परिचय दिया, जिसमें चार विशेष बातें बताई गई, साथी का नाम, स्कूल का नाम, उसका उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है। इसके बाद हमारे पास चाय समोसे आ गए, जिसका हमने बहुत अच्छे से लुत्फ उठाया खाया और थोड़ी हमें मन को शांति मिली कि कुछ खाने को मिला। उसके बाद जो सच्चाई है, उसके बाद हमारे पास बी ओ मैम श्रीमती सुदेश मैम और श्रीमती साधना मैम, नरोत्तम सर और आरती मैम जी के द्वारा एफ एल एम की इम्पोर्टेंस के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें साधना मैम ने टीचर्स के गुणों को बहुत ही अच्छे से बखान किया और टीचर्स की बहुत अधिक प्रशंसा की। ये एक सराहनीय था, हमें बहुत खुशी हुई सुनकर। इसके बाद प्रदीप सर जी के द्वारा एफ एल एम और निपुण की परिभाषा और इसके कार्य को विस्तार से बताया गया। फिर हमने प्रदीप सर जी ने एक छोटी सी खेल गतिविधि कराई, जो वह गतिविधि एक गतिविधि नहीं थी, वो हमें यह दर्शा रही थी कि हमने एफ एल एम के उद्देश्य को कहाँ तक लेकर जाना है, क्या हमारा उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। जब तक हम इस कार्य तक पहुँचेंगे तभी हमारी एफ एल एम की पूर्ति होगी। इस उद्देश्य को व्यक्त की गई है कार्रवाई ट्रैंगल वाली गतिविधि करवाई गई। फिर इसके बाद उनसे अपेक्षाएँ पूछी गई और इसके बाद थ्री के का महत्व बताया गया, कौन क्या और क्यों, कि कैसे हम हर एक कार्य को कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद प्रदीप सर और विजय सर के द्वारा हमें एक बहुत ही, जो कि हम कंफ्यूजन में थे कि एक कार्य कैसे होगा, कि टेक्स्ट बुक, टीजी और हमारी वर्क बुक, इसमें जो हमारा सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम है, वो सेम है और उसी कार्य को लेते हुए हमने इस कार्य को करना है। और ये एफ एल एम में जो वर्क बुक्स हैं, जैसे जैसे जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट करते जाना है, बच्चों को उसी तरह से हमने टिक करते जाना है कि ये बच्चा किस लेवल का है। और एक और ही अच्छी बात बताई कि हमें टीचर्स डायरी में ज़्यादा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसमें लेसन प्लान्स में हमने कौन सा चैप्टर्स कराया है, सिर्फ वही हमने लेसन प्लान्स का इसमें हमने ब्यौरा देना है। इसके बाद फिर से ग्रुप्स बनाए, इसके बाद हमने खाना खाया, दाल चावल आलू की सब्जी, अच्छी तरह से खाना खाया और आनंद आ गया फिर से। उसके बाद फिर हमने बातचीत की और फिर हम इकट्ठा हुए उसके बाद, और इसके बाद हमारे ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें भी हमें क्लास के अकॉर्डिंग लेसन प्लान्स दिए गए, क्लास फर्स्ट का ग्रुप, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, और जो मल्टी थे, जो कई फिफ्थ क्लास को फोर्थ क्लास या फर्स्ट सेकेंड थर्ड इकट्ठे पढ़ा रहे थे, उनका एक अलग से बैच बनाया गया। और जिसमें प्रेजेंटेशन क्लास फर्स्ट में दी थोड़ी वीक रही, परंतु उन्होंने अपनी सुधार की, कहा कि हम आगे से इसको सुधारेंगे। और इसी के साथ हमने लास्ट में अपनी अटेंडेंस लगाई और घर पर रवाना हो गए खुशी खुशी। धन्यवाद। बहुत